नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नहीं थमरा रेत का परिवहन। सिटी कोतवाली क्षेत्र में दौड़ रहे ट्रैक्टर से एसपी लोकेंद्र सिंह बोले, हो रही है कार्यवाहियां। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा लगातार रेत का काला उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने में सिटी कोतवाली पुलिस नाकाम साबित हो रही है। माफियाओं के बिना नंबर वाले ट्रैक्टर धड़ल्ले से रेत भरकर उसका परिवहन करते हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो सभी थाना क्षेत्रों का रेत का व्यापार हो रहा है, लेकिन शहर की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रेत माफिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि इन बिना नंबर वाले वाहनों के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं जाता। इस मामले की लगातार खबरें भी प्रकाशित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, जागरूक लोगों द्वारा ट्रैक्टरों के गुजरने के दौरान सही समय पर पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इसके अलावा राजनगर रोड पर रेत से भरे ट्रैक्टर गुजरते हैं, लेकिन ट्रैक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती। इस मामले में सीएसपी लोकेंद्र सिंह का कहना है कि रेत के परिवहन पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और आगे भी जारी रहेंगी। जिला छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। बालू के ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे हैं सर, दिन रात इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी सर? इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जब भी कोई ऐसा ट्रैक्टर पकड़ने आता है उसके खिलाफ एमडी और बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है उनकी की जाती है।